मुंब्रातील चांदनगर परिसरात गॅस सिलेंडरचा भीषण स्फोट घडला आहे. मुघल पार्क या इमारतीच्या ए विंगमध्ये एका भंगाराच्या दुकानामध्ये गॅस सिलेंडर लिकेज झाल्याने स्फोट झालाय. या स्फोटात महिलेसह 3 जण गंभीर जखमी झालेत. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आला आहे. हा स्फोट इतका भीषण होता की आजूबाजूच्या 3 घरांचे देखील नुकसान झाले. मनीषा मोरवेकर यांच्या घरात गॅस लिकेजमुळे हा स्फोट झाला असावा असा प्राथमिक अंदाज अग्निशमन विभागानं व्यक्त केला आहे. तसेच 1 रिक्षा आणि 1 चारचाकी वाहनाचं नुकसानही झालं आहे. शनिवारी सकाळी 6:05 मुंब्रा येथील चांदनगर येथे गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला. गॅस लिकेज झाल्याने भडका उडाल्यामुळे 3 व्यक्तींना किरकोळ दुखापत झाली आहे. एका खासगी रुग्णालयामध्ये प्राथमिक उपचारासाठी दाखल करण्यात आला आहे. या घटनास्थळी गॅस सिलेंडरचा लिकेज झाला असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. या घटनास्थळी आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी व आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाचे कर्मचारी, पिकअप वाहनासह अग्निशमन दलाचे जवान, फायर वाहनासह तसेच टोरंट पॉवर कंपनीचे कर्मचारी उपस्थित होते. पुढील तपास स्थानिक पोलीस करत आहे. घरगुती गॅस वापरताना निष्काळजी केल्याने दुर्घटनांना सामोरे जावे लागत आहे. गॅसच्या चुकीच्या वापरामुळे किंवा लिकेजमुळे आग लागू शकते. गॅस लिकेजचा वास आल्यास सर्व दरवाजे आणि खिडक्या उघड्या ठेवा. इलेक्ट्रिकचे कोणतेही उपकरण चालू अथवा बंद करू नये. गॅस उपकरण घरच्या घरी दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करू नये. गॅसमधील कोणत्याही प्रकारच्या उपकरणाचा बिघाड झाल्यास गॅस वितरकाशी संपर्क साधा. तो हुआ है, किस चीज का हुआ है मुझे अंदाजा नहीं है, पर मुझे लगता है ये छोटा स्फोट नहीं है, ये बड़ा स्फोट है. वो क्या सामान उठाता था, किधर से उठाता था, कोई पता नहीं है. मैं जो हाल में बिल्डिंग को देख रहा हूँ उससे लगता है कि ये बड़ा स्फोट है. अब 23 लोग घर के बाहर हैं, इनको घर कौन देगा? पहले हमने निश्चित किया था कि ये जो हादसे बार बार इस एरिया में होते हैं, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो हम माड़ा के घर देंगे. माड़ा के घर तो ऐसे बेचे गए जैसे अधिकारियों के बाप के घर थे. हम चिल्ला चिल्लाते रहे, कुछ न्याय नहीं मिला. भाड़ा में आज भी कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जो भाड़ा का फ्लैट लेने का अधिकार ही नहीं उनको. वो आए कहां से? उनको दिया कैसा गया? वो प्रोजेक्ट अफेक्टेड है क्या? बिल्डिंग गिरी है क्या इनकी? झूठे कागजात बना के 200-200 घर जाना, ये स्कैम था. बार बार हम पुलिस को बोलते रहे, पुलिस ने सब कागजात जमा भी किए और पुलिस ने ही गायब कर दिए. मुझे मालूम है यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए का हिसाब हुआ. आपको मांगता है तो जिसने ये पैसा जमा किया था वो आदमी भी आके बोलेगा. पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. ये पुलिस और ये म्युनिसिपालिटी के मिली भगत से मुंब्रा का सत्यानाश हो रहा है. आज 100-100 इल्लीगल बिल्डिंग बन रही है. किसके किसके नाम पे बन रही है? कौन बनाने दे रहा है? बालू पीचड़ को बिल्डिंग दिखती नहीं है. ये फरीदाबाद 2 माले पे रहता हूँ. सुबह 6 बजे के टाइम में इतना जोरदार ब्लास्ट हुआ और सब हमारे घरों की खिड़की दरवाजे तक टूट गए. लकड़ी के दरवाजे उखड़ के गिर गए. मेन डोर जो कि हॉल का है, फ्रंट से भी बैक साइड में इतना शिद्दत का ये धमाका था कि पूरी बिल्डिंग हिला दिया इसने. आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ है? मेरे घर की तो टोटल कांचे टूट चुकी है. मेन डोर दरवाजा टूट गया है. ग्रिल गिर गई. जो ब्लास्ट हुआ वो तो समझ में नहीं आ रहा क्या ब्लास्ट है ये. गाड़ी में पार्किंग उधर किया, हाँ. देखा एक आवाज आ गई बड़ी, हाँ. तो उधर जो बच्चा का थोड़ा आगे देखा तो फ्लैगनर है ना, उधर से उधर चली गई. कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर से क्या हुआ, पता रहा नहीं. और उसके पास यहाँ पर जो लोग आए मराठी में और एक माले पे भी जो लोग रहते हुए राइट, अभी वो क्या हुआ उनका? क्या इसी क्या है, बच्चे लोग को लगा है, सर फटा है, ये वगैरह लोगों को लगा है? 2-3 लोगों को लगा है. बच्चे लोग हॉस्पिटल लेके गए. लोग हॉस्पिटल लेके गए. 2-3 लोग को लगे.